प्रभात बच्चों। बच्चों, कल हमने रि की मात्रा का अध्ययन करा था, आज हम ए की मात्रा सीखेंगे। यह है ए और यह है इसकी मात्रा। देखिए, ए की मात्रा जब व्यंजन के साथ लगाई जाती है तब मात्रा का उच्चारण धीमे स्वर में और कम समय के लिए किया जाता है। जैसे प, प पर ए की मात्रा लगाई तो उच्चारण होगा पे। ऐसे ही स, स पर ए की मात्रा लगाई तो उच्चारण होगा से। बच्चों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि ए की मात्रा व्यंजन में ऊपर की तरफ लगाई जाती है, ठीक है? देखिए, यह है स, स पर ए की मात्रा लगी तो उच्चारण होगा से, और यह है ब और मिलकर बनेगा सेब। ऐसे ही यह है ब, ब के ऊपर ए की मात्रा लगी तो उच्चारण होगा बे, और यह है ल, ठीक है? चलिए अब हम और भी शब्द पढ़ते हैं। खेल, तेल, बेल, घेरा, मेरा, तेरा, सहेली, चमेली, हथेली, करेला, सवेरा, चेहरा। यहाँ देखा बच्चों आपने कि ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगी हुई है। अब हम वाक्यों द्वारा ए की मात्रा का अध्ययन करते हैं। रेल चली अजमेर, बेला नेहा और दिनेश, मेघा चेतन और सुरेश। एक एक के पीछे आओ, मिलकर सारे रेल बनाओ। केसर आ जा कर मत देर, रेल जा रही अब अजमेर। बच्चों, आपको भी इसका बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। ए की मात्रा, यह है ए और यह है इसकी मात्रा। बच्चों, ए की मात्रा जब व्यंजन के साथ आती है तो इसकी आवाज लंबे समय के लिए और ऊंचे स्वर में की जाती है। जैसे प, प पर ए की मात्रा लगी तो उच्चारण होगा पै। ब, ब पर ए की मात्रा लगी तो उच्चारण होगा बै। ए की मात्रा हमेशा व्यंजन के ऊपर, देखिए व्यंजन के ऊपर लगी हुई है ना, तो ए की मात्रा हमेशा व्यंजन के ऊपर की तरफ लगाई जाती है, ठीक है बच्चों? चलिए अब हम यह देखते हैं। यह कौन है बच्चों? आप सबको पता है ना कि यह एक सैनिक है। देखिए, स, स पर ए की मात्रा लगी तो उच्चारण होगा से। यह है न, न पर इ की मात्रा लगी, उच्चारण होगा नि, और यह है क, और मिलकर बनेगा सैनिक। ऐसे ही यह है प, प पर ए की मात्रा लगी तो उच्चारण होगा पै, और यह है र, और मिलकर बनेगा पैर। अब हम और भी शब्द पढ़ते हैं। देखिए, बैल, बैर, तैर, थैला, कैसा, जैसा, मैया, भैया, नैया। नैतिक, दैनिक, सैनिक। बच्चों,